जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले राजपथ पर मेगा रिहर्सल हुआ। कैलाश खेर और बाबुल सुप्रियो की धुन पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कराया योग। दिल्ली के राजपथ में बाबा रामदेव के योग कैंप में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी शिरकत की। रिहर्सल के दौरान बच्चों ने भी रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने राजपथ में योग पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि योग ना तो धार्मिक है और ना ही राजनीतिक। Political, not religious, because yoga is an art of India, ancient art of India. I would have been more happy if all the parties and their representatives also participate in this, because this is not a program of any party, this is not a program of government also. जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार योग को लेकर गंभीर है तो पीएम को बीजेपी शासित राज्यों में शराब पर बैन लगा देना चाहिए। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया और कहा कि पीएम मोदी को सलाह देने से पहले अपने काम पर ध्यान दें। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का दो दिवसीय लखनऊ दौरा, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के संबंध पर कहा कि आतंक और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। कि पठानकोट जैसे हादसे के बाद सरकार की और देशवासियों की यह अपेक्षा कि उनकी तरफ से कुछ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ये अपेक्षा तो अव्यवहारिक नहीं है, अस्वाभाविक नहीं है। इसलिए उनकी तरफ से कोई भी अच्छी ठोस कार्रवाई हो जाए, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक जनजाति समुदाय के छात्र सुनील लखड़ा ने IIT परीक्षा पास कर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। सूरत में सरदार पटेल की मूर्ति पर पेन और पिस्टल की माला चढ़ाई है। ये माला गुजरात के पूर्व DGP DG बंजारा ने चढ़ाई। हार का बदला लेने के इरादे से आज जिम्बाब्वे से भिड़ेगी धोनी की टीम। धोनी मैच में वापसी के लिए करेंगे हर संभव प्रयास। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का लखीमपुर खीरी का दौरा, आज 4-लेन सड़क का करेंगे शिलान्यास। बांदा में बच्चों के मामूली विवाद में पड़ोसियों ने 400 रुपए के लिए एक 70 साल की महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी। सहारनपुर पुलिस ने 11 जून को लापता हुई महिला का शव आरोपी प्रेमी की निशानदेही पर बरामद कर लिया है। संभल पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद में कार में 2 बच्चों के खेलने के दौरान कार सेंटर लॉक हो गई, जिसमें दोनों बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। कानपुर में किदवई नगर के लोगों ने मासूम आशुतोष को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। मथुरा में जवाहर बाग हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में शोभा यात्रा निकाली गई। गोंडा में गोरखपुर अधिकारी जोन के IG ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। फैजाबाद में 9 पुलिसकर्मियों को उनके सराहनीय कदम और बहादुरी के लिए DGP ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अलीगढ़ में चल रहे आरवीर दल के महिला प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने शिरकत की।